नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, देख के समझ गए होंगे कि आज हम पोर्टुलाका प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोर्टुलाका की रीपॉटिंग और फुल केयरिंग के बारे में बात करेंगे कि समर के लिए हम पौधे को कैसे तैयार करें। आपको देख के लग रहा होगा कि पौधा पूरी तरह से ड्राई हो गया है, मरने वाला है, मर गया, ख़त्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये अभी पूरी तरह से फ्रेश है ये पौधा और नई ग्रोथ के लिए रेडी है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसको हम फ्रेश करें, फ्रेश सॉयल दें और इसकी थोड़ी काट छाट कर दें तो पौधा तरोताज़ा हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो का प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो ब्रांचेज आप देख रहे हैं, ये साइड में लटक रही हैं, किनारे बड़ी हो गई काफ़ी, तो इन्हें हमें किसी कटर या प्रूनर की मदद से काट लेना है। तो ये देखिए, आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए अपने पोर्टुलाका प्लांट की, और ये कटिंग करने के बाद जो आपके फ्रेश ब्रांचेज हैं, हेल्दी ब्रांचेज हैं, इन्हें फेंकना नहीं है। आप इनसे सैकड़ों हजारों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, जो पौधे दिख रहे हैं आपको, ये कटिंग देखिए कितनी पूरी ग्रीन है, तो इसे आप कलम इनके लगाएंगे तो सारे पौधे, इससे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए आप कुछ जो शूट्स दिख रहे हैं, इनमें नई ग्रोथ भी दिख रही है, नई ग्रोथ ले रहे हैं। तो हमने चारों तरफ से इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर ली है और जो सूख गए हैं पत्ते, खराब हो रहे हैं, उन्हें आप निकाल के फेंक दीजिएगा, अलग कर दीजिएगा पौधे से। फिर दोस्तों, इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करके गमले से बाहर निकाल लेंगे पूरी मिट्टी सहित इस पौधे को। ये मेरा प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है और जो दूसरा पौधा है, ये देखिए, ये पौधा हमारा निकलाया बाहर गमले से। अब इसकी हम मिट्टी को हटा लेंगे, पूरी मिट्टी नहीं हटाएंगे दोस्तों। देखिए, इसे हमने, इस पौधे को हम दो भाग में, दो से तीन भाग में कर लेंगे, क्योंकि अब हम जब लगाएंगे इस पौधे को तो जो जिस गमले से हमने निकाला है उसमें नहीं लगाएंगे, दूसरे पॉट में लगाएंगे। तो इसको हम दो से तीन भाग में करके फिर उसमें लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसे मिट्टी से अलग कर दिया है और इस प्रकार के हमने इसे चार भागों में बना लिया है। ये देखिए, अब इसको दोस्तों साइड में करते हैं और जो दूसरा गमला है हमारा, उसमें भी हमें यही काम करना है। ये जो भी ब्रांचेज आपको सूखी हुई दिख रही हैं, इन्हें हमें अलग कर लेना है और इसको हम इसमें से भी निकाल लेंगे। ये देखिए, बड़ी आसानी से इस पॉट से ये निकल गया। अब इसके साथ भी हमें वही काम करना है, इसको हमें, जो इसका रूट बॉल बंध गया हुआ है, ये देखिए मिट्टी कितनी हार्ड हो गई है, तो इसे हम अलग कर लेंगे और कई टुकड़ों में इसे हम बांट लेंगे ताकि जब हम नेक्स्ट इसे लगाएं अगली अपनी नई सॉइल मिक्स में तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। देखिए कितनी हार्ड हो गई है, रूट बॉल इसका काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसे रिपॉट करना बहुत ज़रूरी भी है नई ग्रोथ के लिए। तो देखिए, इस प्रकार हम इसे कई टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे और इनकी जो रूट्स हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, तो जब ये नई फ्रेश मिट्टी पाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। जो सूखे पत्ते, सूखी टहनियां हैं इनकी, उन्हें आप प्रून करके अलग कर दीजिए। देखिए, हमने तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार हमने इन्हें कई टुकड़ों में बना लिया है और अब हम जो पुरानी सॉयल मिक्स जिसमें हमारे पौधे लगे हुए थे उसे हम साइड कर देंगे, क्योंकि इसमें हम पौधों को अब दोबारा अभी नहीं लगाएंगे। इसे हम पहले रिचार्ज करेंगे, उसके बाद दूसरे प्लांट्स पौधों में लगाएंगे, क्योंकि एक बार
जब किसी मिट्टी में कोई पौधा हम ग्रो कर लेते हैं और एक सीजन तक वो ग्रो हो जाता है तो उस पौधे की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो उसमें फिर पौधों को लगाना में उनकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है। तो हम नई मिट्टी को, तो ये देखिए हमने इसके लिए जो नई सॉयल मिक्स बनाई हुई है दोस्तों, कोई स्पेशल सॉयल मिक्स नहीं बनाई है, नॉर्मल सॉयल मिक्स है। 80% नॉर्मल गार्डन सॉयल, 20% काउडंग कंपोस्ट मिला के हमने ये सॉयल मिक्स रेडी करी हुई है। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट नहीं है, इजी टू ग्रो है और कहीं भी किसी भी मिट्टी में आसानी से ग्रो हो जाता है पोर्टुला का हमारा। तो अब इसे हम, ये देखिए ये हमारा जो राउंड शेप पॉट है इसमें हम लगाएंगे। इसको हमने, इसके जो ड्रेनेज होल है इसे बंद कर दिया है और इसमें हम जो नई सॉइल मिक्स हमने तैयार की है इसे भरेंगे। देखिए आधा भरने के बाद दोस्तों जो हमारे प्लांट्स जो हमने निकाले हैं इन्हें मिट्टी में से, इसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसमें रख देंगे इस प्रकार से। देखिए देखिए इस प्रकार हमने सारे जो अलग अलग पार्ट्स में हमने इन्हें बना रखा है इन्हें हम इसमें लगा देंगे। ये दो तीन तरह के फ्लावर हम एक में लगाएंगे तो एक गमला हमारा कई तरह के फूल प्रोड्यूस करेगा। तो एक ही गमले में कई तरह के फूल लेने के लिए दोस्तों जो हमारे पास अलग अलग पोटोला का कटिंग हो उन्हें सबको एक में ही हमें लगा देना है। तो ये सारे के सारे एक गमले में कई कलर के पोटोला का आपको मिलेंगे। फिर ये लास्ट, इसे भी हम इसी में लगा देते हैं और इसके बाद हम इसे मिट्टी से कवर कर देंगे अच्छे से। जितने भी ब्लॉक्स हमने रखे हैं सभी के साइड साइड से हम मिट्टी भर देंगे। अगर पोटोला का प्लांट्स के ऊपर भी मिट्टी पड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम वाटरिंग करेंगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। कोशिश करें कि साइड से हटा हटा के पौधों को थोड़ा सा मिट्टी भर दें। गमले को थोड़ा सा हिला के मिट्टी बैठा लेंगे और जहाँ भी खाली दिखे आपको उसे मिट्टी से अच्छे से कवर कर दीजिए। अभी देखिए ये गमला पूरी तरह से हमारा रेडी हो गया है समर फ्लावरिंग सीजन के लिए। ये दोस्तों इसमें हमें कर देनी है वाटरिंग अच्छे से। दोस्तों वाटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी इतना ज़्यादा हमें देना है इसमें कि जो नीचे ड्रेनेज होल है उस रास्ते से पानी ड्रेन होना शुरू कर जाए, यानी कि आपकी जो पूरी मिट्टी है पूरी मिट्टी नीचे से ऊपर तक गीली होनी चाहिए। और वाटरिंग करने के बाद दोस्तों इसे रखना है हमें सेमी शेडेड प्लेस में करीब 3 से 4 दिन तक, और जब आपको इसमें नई ग्रोथ दिखने लग जाए तो आप इसे फिर फुल सनलाइट में रख सकते हैं और उसके बाद आप इसमें नॉर्मल वाटरिंग करते रहिए। ये पौधा आपके लिए पूरी समर बरसात के सीजन तक अच्छी फ्लावरिंग देता रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।